जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक प्लान है जिसके अंदर सिर्फ लाइन और डायमेंशंस हैं, जो कि बिगनर स्टार्टिंग में जब सीखते हैं तो उस टाइम पे ये डिटेल प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपने प्लान देखा इतनी डिटेल इनफ नहीं होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक चीज को मेंशन करते हैं, जहाँ पे हमारे डोर विंडो स्टेयर केस को हम एक अलग लेयर में मेंशन करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर हमारी डायमेंशंस आती है। इस तरीके से हमने विंडोज को मेंशन किया, वेंटिलेटर्स को मेंशन किया, तो इस तरीके से आप डोर एंड विंडोज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद डायमेंशन आप रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप डायमेंशन के साथ ड्राइंग सेंड करते हैं तो वो बहुत कंजेस्टेड हो जाती है, बहुत ओवरलैप मिसमैच हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, आपको जो डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है वो सिर्फ आपको प्रॉपर शो करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम डायमेंशन जो हम यहाँ पे लिख देंगे वही डायमेंशन परफेक्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिटेल आप बनाते हैं, जैसे आपने किचन स्लैब शो किया हुआ है, ये बिगनर के प्लान है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इनफ है इन्फॉर्मेशन बिगनर के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम करना होगा, इससे ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए। आपको प्लान चाहिए, स्ट्रक्चर प्लान चाहिए, बीम लेआउट चाहिए, कॉलम लेआउट चाहिए, आपको एलिवेशन चाहिए, आपको सेक्शन चाहिए, तो उन सब की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद इसी तरह का प्लान हमारे पास ये भी है, जो प्लान होता है इस तरीके से आप नॉर्मली प्लान बना सकते हैं, चाहे बिगनर है चाहे प्रोफेशनल है। प्लान बनाने का तरीका सेम ही होता है, डायरेक्शन हम मेंशन कर सकते हैं, डायमेंशन भी हम सेम तरीके से लगा सकते हैं, बट जो प्रोफेशनल होते हैं उनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नॉलेज होती है और वो टाइम के साथ आती है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको भी टाइम देना होगा और हर एक चीज को आपके माइंड में रहना चाहिए कि किस तरीके से कमांड्स काम करती है, रैपिडली काम करती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कॉलम्स के साथ अब काम करते हैं, हमने सभी डिटेल्स दी। यहाँ पे देखिए प्लान के अंदर डायमेंशन लिखी हुई नहीं है, जैसे बात है हमारा ड्राइंग रूम है, बट यहाँ पे डायमेंशन लगाई हुई है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम सभी रूम्स की डायमेंशन मार्क कर देते हैं, उसके बाद जो भी डायमेंशन आपको मेंशन करनी है वो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो रूम का साइज आएगा वो क्या साइज आएगा उसको मेंशन करना है हमें यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 14 फीट का हमारा रूम साइज है, 14 फीट 6 इंचेस, ठीक है। एक्स का यूज आप मल्टीप्लाई के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपकी सेकंड लेंथ है वो आपकी 14 फीट है और यहाँ पे 0 इंचेस है, तो इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल सिंपल तरीका, डिटेल आप पहले प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इसी प्लान में देखिए वेंटिलेटर्स भी अप्लाई किए हुए हैं, इसी प्लान में नॉर्मली आपके कॉलम्स भी अप्लाई किए हुए हैं। कॉलम का साइज जो होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप नॉर्मल प्लान में आप खुद से भी कॉलम लगा सकते हैं, ये एक आइडिया हो जाता है, टेंटेटिव आइडिया हो जाता है कि आपको G+1 बनाना है, G+3 बनाना है, 2 बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कॉलम का जब एक से ज्यादा प्लान आप बनाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। जो बेडरूम हो गए आपके, इनके भी सेम आप इसी तरीके से साइज नोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब सेक्शन कट करते हैं तो आपका स्टेयर केस परफेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस प्लान की बात करते हैं जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सभी डिटेल प्रोवाइड की है एज ए बिगनर, ठीक है। बट बिगनर में भी क्या होता है, प्लान हमने बना दिया बट इसके बाद स्ट्रक्चर प्लान है, इलेक्ट्रिकल प्लान है, आपका जो कॉलम लेआउट है, बीम लेआउट है, प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल है, और जो भी कॉलम की डिटेल, एलिवेशन, प्रॉपर एलिवेशन, चारों साइड के एलिवेशन होंगे हमारे पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो प्रोफेशनल का काम होता है कि किस तरीके से हम सभी एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली प्लानिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं बट जो मेन होता है सेक्शन कट करना, एलिवेशन प्रोवाइड करना और छोटी छोटी डिटेल्स प्रोवाइड करना, वो डिटेल जब आप प्रोवाइड करना सीख जाएंगे तब आप एक प्रोफेशनल की लाइन में आते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह का प्लान बनाते हैं। अब यहाँ पर जो प्लान है, यहाँ पे देखिए सेक्शन AA यहाँ से कट किया हुआ है, तो सेक्शन AA जब कट होगा तो हमें क्या पोर्शन दिखना चाहिए, स्टेयर केस हमारी कट हो रही है, किचन से स्लैब कट होगा, किचन का आपका किचन स्लैब कट होगा, आपके रूम टैग यहाँ पर आएंगे, तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एक सेक्शन कट किया हुआ है, बट यहाँ इनफ नहीं है जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है, नॉर्मल डिटेल्स है, ठीक है, क्योंकि एक सीखने के पर्पज से, एक बिगिनर के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हमने डोर मेंशन किए हैं प्रॉपर, ये मुमटी स्टेयर केस हो गया, ये स्टेयर केस हो गया, जो मुमटी लेवल है हमारा, यहाँ पर हमने यहाँ पे रेलिंग प्रोवाइड की हुई है, जो हमारा टेरेस है वहाँ पर, ये बालकनी हो गई, सेम यहाँ पे हमारे लॉन हो गया, ये हमारी बाउंड्री वॉल हो गई, कवर्ड पार्किंग है हमारी, ये हो गई। जैसे मैं यहाँ से DLI करता हूँ कि मेरा राइजर कितना है वो चेक करना चाहते हैं, सिलेक्ट, और यहाँ से आप MA एंटर करके मैच प्रॉपर्टी करवा सकते हैं, सिलेक्ट, एंड देखिए 8 इंच का हमने राइजर लिया है, ये मोस्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 7 इंच और 6 इंच होता है, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आपको
रीच करना है आपकी हाइट को, तो आप 8 इंच रख सकते हैं, 8 इंच में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जब सेक्शन कट करते तो आपको वॉल का हैच अलग शो करना होता है, आपको कंक्रीट का हैच अलग शो करना होता है, क्योंकि कंक्रीट आपको कंक्रीट स्लैब में होता है, आपके बीम्स में होता है, आपके स्टेयरकेस में होता है, तो हर एक चीज हैच की हेल्प से ही मेंशन होती है। हैच प्रोवाइड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, आप जैसे ही हैच एंटर करते हैं आपके पास हैच का पैटर्न आ जाता है, जो भी हैच आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे मुझे यहाँ पर हैच प्रोवाइड करनी है, बट ये देखिए आपकी ब्रिक वॉल की हैच आ रही है। अगर मैं मैच करवाना चाहूँ तो यहाँ से मैच भी करवा सकता हूँ, सिलेक्ट एंड देन मुझे चाहिए स्लैब जो है वो इस तरीके से दिखे, जो कंक्रीट से दिखे, तो आप यहाँ पे स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा हैच प्रोवाइड करने का तरीका। उसके बाद सेम प्लान का हमने एलिवेशन भी बनाया हुआ है, बट ये एक एलिवेशन है, ये इनफ नहीं है, आपको चार साइड चाहे तो आपकी कम से कम आपको चारों साइड का ही बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी बैक साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, कोई विंडो नहीं है, कोई डोर नहीं है, कोई बालकनी नहीं आ रही है उस साइड, तब आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रंट आपका हमेशा क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमने मुमटी में ग्लास लगाया है, ग्लास के जो सिंबल है इस तरीके से मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रेलिंग मेंशन की है, ये ऑलमोस्ट काफी डिटेल है, जो यहाँ पे भी डिटेल है, जो अलग अलग पार्ट मेंशन किए हुए हैं कि क्या क्या यहाँ पर साइज है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जब भी आपके साइज इस तरीके से आए तो आप डायमेंशन में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल किस तरीके से अपनी ड्राइंग में काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, प्रॉपर उनका लेआउट किस तरीके से सेट होता है। यहाँ पर जब एक प्रोफेशनल काम करता है तो रोड लेआउट भी वहाँ पर शो किया जाता है, मेन गेट एंट्री किधर से है, पूरा डायमेंशन के साथ कॉलम टू कॉलम लेआउट भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। और जो हैच होता है, देखिए अभी यहाँ पे वॉल के अंदर प्रॉपर हैच और प्रॉपर आपके अलाइनमेंट के साथ कॉलम्स प्लेस किए जाते हैं, डोर फर्नीचर लेआउट हर एक चीज को प्रॉपर समझाया जाता है, ताकि हर एक पर्सन उसको समझ सके, हर एक क्लाइंट ड्राइंग को रीड कर सके। यहाँ पे वार्डरोब है, स्टडी रूम है, कवर्ड पार्किंग अगर आपने मेंशन किया है तो वो सब भी आपको मेंशन करना होता है। इस तरीके से एक प्रोफेशनल कंप्लीट शीट लेआउट बनाता है, टाइटल ब्लॉक बनाता है, उसके अंदर डिटेल प्रोवाइड करता है और नॉर्थ के साथ उसे मेंशन करता है, ठीक है। अगर आप टू रूम सेट, वन रूम सेट की भी बात करते हैं तो हर एक तरीके से डिटेल प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे डोर विंडोज प्रॉपर होते हैं, बालकनी किस तरीके से आएगी वो सब भी होता है। इससे भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल में काम करना हो कभी, तो आप किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई भी एक प्लान है जिसके अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है W1, W2, CAD के अंदर इतनी डिटेल देना, ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन प्रॉपर प्रोवाइड करना, ये एक प्रोफेशनल की निशानी होती है कि हर एक डिटेल को प्रॉपर डिफाइन करना, प्लिंथ प्रोटेक्शन कितने mm का आएगा हमारा, किस तरीके से डिटेल आएगी हमारी, ये हमारा एक होल है तो उसके अंदर इक्विपमेंट्स रखे हैं तो वो किस तरीके से प्लेस आएंगे, डक्ट्स कहाँ से जाएगी आपकी, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है तो ग्राउंड फ्लोर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से आपका रेन वाटर पाइप आएगा, तो रेन वाटर पाइप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके साथ यहाँ पर लीडर लगा के उसको मेंशन किया प्रॉपर, अदरवाइज हम यहाँ पे छोड़ भी सकते थे उसको, बट प्रोफेशनल कभी भी अपने काम में कमी नहीं छोड़ते हैं, गलती नहीं छोड़ते हैं, तो इसी लेवल का हम हमारी ट्रेनिंग में कवर करते हैं, आपको प्लान सेक्शन एलिवेशन एंड अदर डिटेल्स भी प्रॉपर समझाई और सिखाई जाती है एज ए प्रोफेशनल। यहाँ पे देखिए ग्राउंड फ्लोर हमने मेंशन किया है, इसके अलावा यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि एलिवेशन ए हो गया, ये एलिवेशन बी हो गया, ये एलिवेशन सी हो गया, ये एलिवेशन डी हो गया, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कौन सा एलिवेशन वन है, कौन सा एलिवेशन ए है, कौन सा एलिवेशन बी है। तो यहाँ पे हम एलिवेशन की बात करते हैं कि एलिवेशन के अंदर क्या क्या डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है। सो जब भी आप एलिवेशन बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको लेवल्स मेंशन करने होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि FGL आपका क्या है, उसके बाद आपका FFL लेवल क्या है, हर एक लेवल आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद हम सेक्शन में भी काम करेंगे कि सेक्शन में क्या डिटेल हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो टॉप लेवल इसका हो गया यहाँ पे 11 मीटर, ठीक है। रेन वाटर पाइप को हम RW पाइप के नाम से मेंशन कर सकते हैं। जो पैरापेट की हाइट आपने 750 mm रखा है, तो यहाँ पर हर एक डिटेल है, जहाँ पे आपने स्टोन लगाया है स्टोन है, जहाँ पे आपने ग्रोव्स प्रोवाइड किया वहाँ पे ग्रोव्स भी मेंशन किया है। अगर हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो कोई नहीं समझ सकता कि ये क्या चीज है। यहाँ पर हमने कॉलम्स को अलग हाईलाइट किया हुआ है, ग्रिड्स आपने प्रॉपर लगाई हुई है, तो हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप व्यू ए में जाते हैं, यहाँ से व्यू ए देखते हैं और यहाँ पर ए व्यू है, तो यहाँ पे जो स्टेयर केस बनाई हुई है, देखिए यहाँ पर वो स्टेयर केस है ग्रुप ए में, जो आपका व्यू ए है। उसके बाद जो कॉलम यहाँ पर लगाया हुआ है, वो कॉलम आपका यहाँ पर भी दिखेगा। जो विंडो यहाँ पर आपने प्लेस किया, यहाँ पर भी वो विंडो है। यहाँ पर आपने W और W2 विंडो लगाया, तो यहाँ पर भी वो सब विंडो प्रॉपर है।
ठीक है। यहाँ पे जीआरसी पैनल डिटेल, अगर आपने यहाँ पे अलग हेड से कुछ मेंशन किया तो वो कोई पर्पज के लिए मेंशन किया है, तो उसका पर्पज क्या था, यहाँ पे जीआरसी जाली लगाई हुई है हमने, तो ये हो गया व्यू सिर्फ ए के लिए डिटेल। उसके बाद व्यू बी की डिटेल क्या होगी, ये हमारे व्यू बी की डिटेल होगी। तो व्यू बी में आप इस तरीके से डिटेल प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज आपको मेंशन करनी होती है। बी आपका कौन सा एलिवेशन है, ये आपका शॉर्टेड साइड जो आपका एलिवेशन है वो बी है। यहाँ पर देखिए कॉलम एल शेप में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम यहाँ पर भी बिल्कुल एल शेप में आपको मिलेंगे। एक कॉलम आपका इस साइड भी दिख रहा है और ये आपका फ्रंट से दिख रहा है, वही आपका पैरापेट सेम रहेगा, ये आपकी कोपिंग हो गई। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल काम करता है इतनी ज्यादा डिटेल्स के साथ। फिर आता है हमारा व्यू सी एंड व्यू डी। अगर आपने रैंप भी प्रोवाइड किया तो आप रैंप भी शो करेंगे, ये आपका अर्थ लेवल के लिए सिंबल होता है। यहाँ पर आपको हर एक लेवल पे हाइट मेंशन करनी होती है। अगर आपने स्टील रेलिंग लगाई है, एमएस रेलिंग लगाई है, वो भी आपको प्रॉपर मेंशन करनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है एसएस रेलिंग्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है, हमने यहाँ पर जब भी आप कोई डिटेल बनाते हैं या सेक्शन कट करते हैं तो विदाउट सेक्शन कभी भी आप प्रॉपर डिटेल के साथ ड्रॉइंग नहीं बना सकते, सेक्शन की जरूरत ऑलवेज पड़ती है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमने यहाँ से एक सेक्शन कट किया हुआ है, ये हमारा सेक्शन हो गया वन और ये हमारा सेक्शन हो गया टू। तो अगर आप वन सेक्शन देखते हैं तो आपका यहाँ से ये सेक्शन कट होगा जहाँ पे वॉल्स कट होगी, स्लैब कट होगी और आपको इक्विपमेंट्स दिखेंगे, ये रूम जो आपके कट हो रहे हैं वो सब रूम कट होंगे। सेम ऐसे ही आपका एक शॉर्टर साइड सेक्शन हम कट करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर है शॉर्टर साइड एलिवेशन, जो आपने सेक्शन जब भी कट करते हैं तो हमें अर्थ लेवल का भी पार्ट दिखता है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ लेवल से पहले क्या है हमारे पास, ये हमारी अर्थ फिलिंग है, कॉम्पैक्टेड अर्थ। यहाँ पर हमारी पीसीसी है, यहाँ पर हमारी कॉम्पैक्टेड जो हमारी ब्रिक ब्लास्ट होती है उसकी हमारी फिलिंग है। उसके बाद 50 mm की हमने फ्लोर फिनिश लिया हुआ है, यहाँ पर हमारी डीपीसी है। तो हर एक चीज को मेंशन करना होता है सेक्शन के अंदर। हम ये भी मेंशन करते हैं कि जो आपने विंडोज लगाई है वो विंडोज कहाँ से आपका, उसका सिल है कहाँ, उसकी लिंटल है। तो सिल क्या है हमारा 700 mm है, लिंटल हमारा 2100 है, तो हमारा टोटल लिंटल क्या हो गया 2800। उसके बाद डक्ट अगर आ रही है आपके एरिया में, डक्ट है, अगर नॉर्मली हाउस प्लान होता तो आप नॉर्मल हाउस प्लान, बेडरूम, किचन, टॉयलेट्स कहाँ पर आ रहे हैं वो सब मेंशन करते हैं। जहां पर आपके पाइप्स आ रहे हैं वहां पे पाइप शो करेंगे, जहां पे लेवल्स आ रहे हैं वहां पे लेवल्स शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन सेकंड सेक्शन देखते हैं, तो जो आपने सेक्शन में कट किया हुआ है वो डिटेल प्रॉपर मान्य होती है, उसी की हेल्प से आगे डिटेल ड्राइंग बनती है, ठीक है। ये हमारे होते हैं सेक्शंस। इसके अलावा आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल प्रोवाइड करनी पड़े, अलग से भी मैंने प्लिंथ प्रोटेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्लिंथ प्रोटेक्शन प्रॉपर समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप एक डिटेल बना सकते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल की और ड्रेनेज के सिस्टम की। तो यहाँ पर हमने वही सब मेंशन किया हुआ है, पीसीसी कहाँ पर आएगा हमारा, मैसनरी वॉल कहाँ पर आएगी हमारी, आरसीसी कहाँ आएगा, फिनिश कहाँ पे आएगी हमारा, एफएफएल कहाँ पे आएगा और नॉर्मली वॉल कहाँ पर आएगी हमारी, स्कर्टिंग किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब हमने उस वीडियो में कवर किया है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। इस लेवल की डिटेलिंग हम हमारे कोर्स में भी कवर करते हैं, बिगिनर से और एक प्रोफेशनल बनने के लिए सब डिटेल आपको आनी चाहिए। इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल्स में काम करना है तो हम यहाँ पर भी अलग अलग प्लान्स पे काम कर सकते हैं, जैसे आपका ये हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान, ये हो गया आपका सेकंड फ्लोर प्लान। तो हर एक प्लान की हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे जो लेवल होता है वो क्या होता है आपका, वो 00 होता है या फिर जो भी लेवल आप मेंशन करते हैं 750 600, जो भी आपका FFL होता है, फ्लोर फिनिश लेवल, वो लेवल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ से आप स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से आपकी स्टेयरकेस का सिंबल मेंशन करना होता है, कॉरिडोर है तो कॉरिडोर मेंशन करना होता है, आपके रूम पैनल रूम है तो पैनल रूम मेंशन करने होते हैं, आपको ग्रिड हमेशा प्रोवाइड करनी होती है, ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस आपको मेंशन करना होता है, ग्रिड टू ग्रिड आपका जो नॉर्मल साइज है वो भी आपको मेंशन करना होता है कि हमारी ग्रिड कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड करनी है हमें। तो ये आपने ग्रिड प्रोवाइड कर दिया तो आपकी ये टोटल बिल्डिंग हो गई आपकी 20 meter की बिल्डिंग हो गई। उसके बाद आपका स्टेप्स कहाँ से है, ये आपके स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5, जो भी आपका राइजर रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट हो जाएगी आपकी बिल्डिंग की। हाइट को चेक करने के लिए हम सेक्शन भी चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप अदर डिटेल भी देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर अलग है बिल्कुल, जहाँ पे हमारा यहाँ पे पैनल रूम आ रहा था यहाँ पे अलग पार्टीशन के साथ रूम्स आ रहे हैं। स्टेयरकेस का भी आपका पार्ट जो है वो चेंज हो जाता है अपसाइड डाउन साइड। यहाँ पर जो स्टेयरकेस आ रही थी हमारे ग्राउंड फ्लोर में एंट्री करने के लिए वो सब नहीं आएगी क्योंकि अब हम फर्स्ट फ्लोर पे है। सेम ऐसे ही जैसे ही सेकंड फ्लोर पे आप जाएंगे यहाँ पे देखिए टॉयलेट भी प्रोवाइड किया हुआ है, मॉनिटरिंग रूम भी है, ऑफिस रूम भी है, कॉरिडोर है, सब कुछ अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है।
अब हम इनके एलिवेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलिवेशन ए देखते हैं। आप जरूरी नहीं है एलिवेशन ए माने उसको आप एलिवेशन वन भी बोल सकते हैं, एलिवेशन टू भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले एलिवेशन ए देखते हैं और क्या क्या डिटेल वहां पे प्रोवाइड किया वो सब समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर हैच के साथ आपने वहां पे काम किया हुआ है, जो डोर है आपके डोर दिख रहे हैं, लिंटल है, सनशेड है, तो सनशेड आपके इस तरीके से दिखेंगे प्रॉपर। हर एक लेवल को आपने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, 1, 2 ग्रिड 4, 5, 6 हर एक ग्रिड यहाँ पे मेंशन किया है। पैरापेट की वॉल, वॉल की हाइट 900 mm है। तो जो भी आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे, हमने SS रेलिंग यूज किया है, हमारा FFL लेवल जहाँ पे हमारी फिनिश स्टार्ट होगी वो हमारा 750 mm है, 0.75 meter का मतलब 750 mm हो गया। प्लेटफॉर्म कहीं आ रहा है तो हम प्लेटफॉर्म मेंशन करेंगे, जो भी आपने जहाँ पे विंडो मेंशन किया वो विंडो आप यहाँ से मेंशन करेंगे। आप प्लान देखिए, प्लान में क्या था, 1, 2, 3, 4, 5 विंडो है और बीच में आपका स्टेयरकेस है। तो 1, 2, 3, 4, 5 विंडोज है और उसके बाद आपका डोर और स्टेयरकेस है। तो हर एक विंडो का आपको सील और लिंटल लेवल मेंशन करना होता है। हर एक डिटेल, जितना डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे आप प्रोफेशनल की लाइन में आ जाते हैं कि आप जितना ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके आप कमांड्स को यूज करें, कमांड की हेल्प से रैपिडली वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर हमारे एलिवेशन की बात हो गई, अब हम सेक्शन की बात करते हैं। तो सेक्शन देखिए यहाँ से कट किया हुआ है, हम सेक्शन देखते हैं कहाँ से हमारा सेक्शन कट है, सेक्शन 1-1, ठीक है, 1 हमने यहाँ से कट किया है, तो स्टेयर केस हमें प्रॉपर दिखेगी। अब स्टेयर केस को देखने के लिए हम सेक्शन 1-1 पर जाते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा सेक्शन 1-1 हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे सेक्शन 1-1 पर, तो जो स्टेयर केस है हम प्रॉपर देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा है वो कॉम्पैक्टेड अर्थ है, उसके बाद हमने यहाँ पे ड्राई ब्रिक ब्लास्ट लिया हुआ है, यहाँ पे हमारा PCC है, यहाँ पे हमारा ग्रे स्लैब है और यहाँ पे हमारा फ्लोर फिनिश आ रहा है, ठीक है। फ्लोर फिनिश के साइड में ही हमारा बिल्कुल DPC आता है, डैम प्रूफ कोर्स, और वहीं पर हमारा होता है फ्लोर फिनिश का लेवल। उसके बाद आपको यहाँ पर जब स्टेयर केस डिटेल आप बनाते हैं तो स्टेयर केस आपने यहाँ से एंट्री किया, ठीक है, उसके बाद एंट्री करने के बाद हमें अपर फ्लोर्स पे जाना है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ से जो स्टेयर केस का आपका राइजर रहेगा वो परफेक्ट राइजर आपको यहाँ से मैच करना है, कि आपका राइजर कितने mm का है वो सब आपको यहाँ से देखना है। हमारा जो राइजर है वो 200 mm का है, तो इस तरीके से ये डिटेल बनाई हुई है। यहाँ पर आप जाएंगे और जो स्टेयरकेस की लैंडिंग होती है वहाँ पर सपोर्ट के लिए बीम प्रोवाइड किया जाता है, बीम एज पर स्ट्रक्चर होता है। जो आप जहाँ से भी सेक्शन कट हो रहा है वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हमारी ब्रिक वॉल है, यहाँ पर हमारा विंडो आ रहा है और ये हमारा सनशेड है। तो सनशेड की डिटेल भी हम बनाते हैं हमारी ट्रेनिंग में, सनशेड की डिटेल, प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल, डोर विंडो डिटेल, रेलिंग डिटेल, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर की जाती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद ये हमारी नॉर्मल स्लैब रहेगी जहाँ पे हमारी फिनिश नहीं है, और ये हमारा फिनिश के साथ लैंडिंग रहेगा, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे आ गए, सेम पैटर्न आपका रहता है, आपको रेलिंग प्रोवाइड करनी होती है, आपको लेवल्स प्रोवाइड करने होते हैं। टेरेस पे जब आप आ जाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टेयरकेस फिनिश हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद आपका पैरापेट किस साइड का है, हर एक जगह जो बीम आएंगे वो किस साइज के रहेंगे, हर एक चीज आपको मेंशन करनी होती है। जो भी RCC का पैटर्न होगा वो सब कुछ एक साथ कनेक्टेड होता है, जो आपका ये स्लैब है वो भी कनेक्टेड है, ये स्लैब है वो भी कनेक्टेड है। इस साइड अगर कोई विंडो आ रही है वो भी हमने मेंशन किया है, टैग की हेल्प से भी मेंशन किया हुआ है, W1 है, W2 है, और जो पैरापेट की हाइट है वो भी हमने मेंशन की हुए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड सेक्शन चेक करते हैं, इसी सेक्शन को आप स्टेयरकेस डिटेल की तरह भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेयरकेस डिटेल में भी यही सब आपको डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, बट आपको जहां से लैंडिंग आ रहा है वहां पे आप स्टेयरकेस डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमें स्टेयरकेस डिटेल प्रोवाइड करनी है तो हम यहां से ये साइज लेते हैं और यहां पे भी मेंशन कर देते हैं कि यहां पे इक्वल नंबर ऑफ राइजर कितने आ रहे हैं। तो जितने भी इक्वल नंबर ऑफ राइजर आएंगे वो हम यहां पे मेंशन करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से मेंशन करते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जो राइजर आ रहा है उसी को हम डिवाइड करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हम यहां पे लिखेंगे कि 10 इक्वल नंबर ऑफ राइजर, तो ये हमारी स्टेयरकेस डिटेल बन जाएगी। और हर एक लैंडिंग का भी हमें लेवल मेंशन करना होता है, तो लेवल मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप FGL से लेवल मेंशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो लेवल आ रहा है वो आप यहाँ से मेंशन करेंगे। सेम आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और जहाँ से आप लेवल मेंशन करेंगे ये आपका लेवल हो जाएगा। तो आपका जो लेवल है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 meter पे आ रहा है, 2.050, ठीक है। जो भी आपका लेवल आ रहा है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ये आपका हो गया लैंडिंग लेवल। तो स्टेयरकेस डिटेल के अंदर आप ये सब प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड सेक्शन हमारा कहां से कट है? सेकंड सेक्शन आपका यहां से कट है, जो स्टेयरकेस के बिल्कुल पास से कट है, बट स्टेयरकेस इसमें एलिवेशन की तरह दिखेगी, प्रॉपर हमने कट नहीं किया है। जहां पे आपके कॉलम कट होंगे वहां पे कॉलम दिखेगा। तो सेकंड एलिवेशन हमारा कहां पर है सेक्शन? ये हमारा सेकंड है, सेक्शन 22। तो देखिए एलिवेशन की तरह हमें स्टेयरकेस दिख रही है, यहां पे कोई आरसीसी का पार्ट नहीं दिख रहा हमें स्टेयरकेस में, क्योंकि हमने कट नहीं किया है स्टेयरकेस के एरिया में। जहां से आपने वॉल को कट किया वहां पे आपको आरसीसी, जो आपका वॉल का हैच है, ब्रिक वॉल का हैच है जो स्टैंडर्ड है, वो आपको दिख रहा है। जहां से आपका स्लैब कट है वो आपको दिखेगा। स्लैब आपका यहाँ पर आपका 150 mm का रहता है, अगर आप पीसीसी रख रहे हैं आपका नॉर्मल जो स्लैब है वो 100 mm भी रहता है, फिनिश के साथ वो 150 हो जाता है। और जब आप स्लैब प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे 150 mm का आपका स्लैब रहेगा, 50 mm की आपकी फ्लोर फिनिश रहेगी। फ्लोर फिनिश में आपकी ग्रेनाइट भी हो सकता है, टाइल भी हो सकता है, या अदर वुडन फ्लोरिंग भी हो सकती है। कॉम्पैक्टेड अर्थ आपको शो करना है, ड्राई ब्रिक ब्लास्ट आपको शो करनी है। जहां पे पीसीसी आ रहा है वहां पे आप पीसीसी मेंशन करेंगे, जहां पे आरसीसी आ रहा है वहां पे आरसीसी मेंशन करेंगे। यहां पे डीपीसी है तो डीपीसी आपको मेंशन करना होता है, जो कि ब्रिक वॉल को कनेक्ट रखता है। तो इस तरीके से आप किसी भी डिटेल को बना सकते हैं। उसके बाद प्लिंथ प्रोटेक्शन डिटेल हर प्रोजेक्ट में आपको बनानी होती है, ये आपका वाटरप्रूफिंग और रेन वाटर पाइप डिटेल हो गया। तो रेन वाटर पाइप आपका इस तरीके से आता है, जो आपका खुर्रा होता है जहां से पानी स्टोर होता है, और रेन वाटर आउटलेट उसकी हेल्प से आता है। यहां पे हमने ब्रिक वॉल बनाया है, दोनों साइड प्लास्टर है, यहां से आपका स्लोप हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डोर विंडो डिटेल्स की, कि डोर विंडो डिटेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होता है डोर विंडो डिटेल। अब आपने जितने भी डोर्स यहां पे लगाए हैं वो सब डोर की हम यहां पे बात करेंगे। तो जो एल्यूमिनियम डोर है वो एल्यूमिनियम डोर की तरह काम करेंगे। हमने यहाँ पे एमडी मेंशन किया है, तो एमडी आपकी ड्राइंग में यहाँ पर है एमडी। तो ये एमडी डोर किस चीज का बना हुआ है? ये हमारा वुडन है या एचएमपीएस डोर है, जिस भी डोर को आप यूज करेंगे, कितने नंबर ऑफ डोर यहाँ पर आ रहे हैं, D1 क्या है 1000x2100 उसका साइज है, W1 क्या है 1200x1500 उसका साइज है, और एल्यूमिनियम की ओपनेबल विंडो है। तो इस तरीके से आप डोर विंडो स्केड्यूल भी बनाएंगे, तभी आपकी डिटेल कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का। अगर आपको बीम लेआउट शो करना पड़े, कॉलम्स को आप यहां से पिक कर सकते हैं, सभी कॉलम को आप पिक कर लीजिए, यहां से सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 2, जितने भी कॉलम आपने यहां पे लिए हैं उन सबको हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट सिमिलर, ठीक है। और आप यहां से ग्रिड्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जितने भी आपको ग्रिड्स चाहिए। तो जितने ग्रिड आपको चाहिए कॉलम उसका सेंटर आ जाएगा, और हमें यही पार्ट चाहिए सिर्फ। तो हम क्या करते हैं सभी को अनहाइड, जो आपका अनसेलेक्ट कर देते हैं, ओके, एंड यहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम लेआउट भी बना सकते हैं। ये जो आपका है वो कॉलम लेआउट बन जाएगा, प्रॉपर आपको यहाँ से मेंशन करना पड़ेगा ग्रिड, दूसरी साइड की ग्रिड जो है वो भी आपको लेकर आनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप कॉलम लेआउट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीम लेआउट की, तो बीम लेआउट किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो सेम प्रोजेक्ट पे हम बीम लेआउट बनाते हैं, जो एक प्रोफेशनल बनाता है किस तरीके से। यहाँ पे हमने कॉलम 1 मेंशन किया है, B1 मेंशन किया है, तो बीम 1 हो गया। यहाँ पे B2 है, जो कि आपका साइज अलग रहेगा, यहाँ पे 9x15 का कॉलम है। अगर आप mm में बात करना चाहते हैं तो आप mm में भी प्लॉट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फिट इंचेस में भी जो लोकल ड्राइंग्स होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिंग्स प्रोवाइड की हुई है, आप 6 इंच पे भी रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, 7 इंच पे भी रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हैवी स्ट्रक्चर बन रहा है तो 4 इंच पे भी आप रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने B1 किया, B2 किया, B3 किया, जो B3 का साइज है वो 9x6 है। जो भी आप मेंशन करना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे बीम लेआउट मेंशन कर सकते हैं। बीम लेआउट का लेवल भी आपको मेंशन करने पड़ेगा, जो आपका TOC रहेगा वही आपका बीम का जो लेवल है टॉप रहेगा। तो इस तरीके से आप लीडर की हेल्प से ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीम लेआउट हो गया, एलिवेशन हमारा हो गया, सेक्शन हमारा हो गया। तो जिस भी डिटेल की आप बात करते हैं हर एक डिटेल हम हमारी ट्रेनिंग में कवर करते हैं। आप बिगिनर्स हैं तो आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, अगर आपने अभी कैड स्टार्ट किया है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करके आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। सिर्फ आपको टाइम देना है और PTS कैड एक्सपर्ट पर जाकर आपको कोर्स बाय करना है। हमारे कोर्स की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल नॉमिनल है और बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा कम है, और सिखाएंगे हम उनसे बहुत ज्यादा। लोकल इंस्टीट्यूट पे क्या होता है, सिर्फ आपको कमांड्स के बारे में बताया जाता है, ये जो आपकी कमांड्स दिख रही हैं इन सब के बारे में बताया जाता है। किसी भी लाइव प्रोजेक्ट पे या इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पे कभी भी आपको एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ आपको प्रोफेशनल द्वारा पढ़ाया जाएगा। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो आपको कंपोनेंट्स की डिटेलिंग की भी बात की जाएगी, यहाँ पे किस तरीके से आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं, हर एक चीज को यहाँ पे कवर किया जाता है। बेसिक्स आप प्रॉपर प्लान सेक्शन एलिवेशन प्लिंथ डिटेल सनसेट डिटेल आप डोर विंडो डिटेल हर एक डिटेल यहाँ पे कवर करेंगे हम।
आपको बैट्स बनाने हैं, कंपोनेंट डिजाइन करने हैं, हर एक चीज यहाँ पे बना सकते हैं। सो गाइज, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ PTS CAD एक्सपर्ट पर जाकर आप कोर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट AutoCAD का बैच जो है वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।